वेलकम टू माय चैनल कैरियर न्यूज एंड सॉल्यूशन। फ्रेंड, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम डेट जो है वो जल्द घोषित किया जाएगा। इसके लिए जो है सभी डीएम और एसपी को लेटर भेजा गया है और उनसे रिक्वेस्ट किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सचिव जो है उनसे बात करेंगे और उसके बाद जो है जल्द ये एग्ज़ाम जो है अगस्त में शुरू होने की संभावना है। अगस्त में स्टार्ट होगा और सितंबर के जो है सेकेंड वीक तक चलेगा या पूरा सितंबर भी जा सकता है, क्योंकि 6 चरण में अगर एग्ज़ाम हुआ तो। और देखिए, ये प्रूफ आपको हम दिखाते हैं जिसमें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने लेटर जो भेजा उसका प्रूफ हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये पत्रांक जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग पोस्ट वेटनरी कॉलेज जो है यहाँ से लेटर भेजा गया है। प्रेषक है सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना, सेवा में प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना को और सभी जिले के डीएम और एसपी को भी भेजा गया। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 06-6016 पद प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित परीक्षा आयोजन करने हेतु सभी जिला अधिकारी, सभी वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित करने के संबंध में, यानी ये लिख रहे हैं सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को कि सभी जिला के जिला अधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराया जाए और किसी दिन निर्धारित करके, ताकि उनसे ये बात करेंगे शांतिपूर्ण और जो है कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए। देखिए और आगे क्या लिखा गया, उससे पहले अगर फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कट ऑफ और जो भी कुछ सूचना हो हम अपने चैनल पर तुरंत अपडेट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, और आगे लिखा गया है महाशय उपयुक्त विषय विवेकानुसार विषय निर्देशानुसार सूचित करना है कि विज्ञापन संख्या इतना इतना पद प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का सफल पूर्ण शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित परीक्षा आयोजित करने हेतु सभी जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ कतिपय बिंदुओं पर यथा संलग्न कार्यवाही पर निर्णय एवं आवश्यक तैयारी हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 25/6/2018 से 30/6/2018 के बीच सुविधानुसार किसी एक तिथि को वीडियो कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। ऊपर भव्य सहमति के साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव महोदय से भी अपना बहुमूल्य समय देने हेतु आग्रह किया जा सकता है। अतः साधारण अनुरोध है कि 25 से 30 जून 2018 के बीच सुविधानुसार किसी एक तिथि को वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित करने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाए, ताकि प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कदाचार मुक्त किया जाए, कदाचार रहित संपन्न हो। और ये देखिए विश्वास भजन जो है हस्ताक्षर किए हैं सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना और प्रतिलिपि भेजा गया है सभी जिला अधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक को कृपया सूचनात्मक आवश्यक करवाइए, तो ये भेजा गया। और फ्रेंड इससे उसके बाद ये तो स्पष्ट है कि इससे जो है एग्ज़ाम तो वो पहले जो है, देखिए मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि पहले जो एग्ज़ाम के लिए जो घोषित किया था बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जिसमें था कि एग्ज़ाम जुलाई में संभावित है, लेकिन अब जुलाई में तो एग्ज़ाम हो नहीं पाएगा क्योंकि 25 से 30 तारीख तक ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक से जो है वार्तालाप ही करेंगे, उस संबंध में चर्चा ही करेंगे। तो उसके बाद जो है, और अगस्त में काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे कि बीएड का कंबाइंड टेस्ट है 15 तारीख को, फिर दरोगा का भी एग्ज़ाम है मेंस 22 जुलाई को होने की संभावना, उसके बाद हो सकता है ये अगस्त से जो है ये जुलाई में तो हो नहीं पाएगा, उसके बाद अगस्त में बिहार एसएससी का जो है कुछ नगर प्रबंधक का एग्ज़ाम है जो कि कल ही वेबसाइट पे अपलोड हुआ है, उसके बाद अगस्त के सेकेंड वीक या अगस्त के लास्ट वीक से ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। और जो है सितंबर तो पूरा चलेगा, क्योंकि अगर 6 डेट में एग्ज़ाम लिया गया तो। और इसके लिए जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग है वो तैयारी कर रहा है और जल्द ही जो है एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया जाएगा, और जैसे ही घोषित होगा आपको हम तुरंत बताएंगे अपने न्यूज़ चैनल पे। तो ये न्यूज़ सूचना था जो कि ये एग्ज़ाम जो आयोजित कराने में लगे हुए हैं, और आप लोग इसके तैयारी में लग जाइए तो बेटर रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम अब जल्द ही होने वाला है। और उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कैरियर न्यूज़ एंड सॉल्यूशन, क्योंकि कैरियर से रिलेटेड किसी भी इन्फॉर्मेशन, किसी भी सूचना और कोई भी आपके डाउट को क्लियर करने के लिए हम हर हमेशा तैयार रहते हैं। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करें, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड सभी फ्रेंड तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। थैंक यू फ्रेंड, नमस्कार।